सो गाइस वेट इज ओवर एंड हमारा नेशनल आ चुका है एंड हम जा रहे हैं नेशनल। तो अब हमारी अब परीक्षा की घड़ी तैयारी पूरी कंप्लीट कर चुके हैं, बाकी अब देखते हैं क्या होगा है। 100% देना अपना नेशनल में। इस बार मैंने काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करके जा रहा हूँ मैं, बट देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। यूथ एंड सीनियर दोनों खेलूँगा, कोशिश करूँगा दोनों में मेडल आए, क्योंकि एशियन चैम्पियनशिप भी है इस बार इंडिया में ही, तो वहाँ भी धुम्मा उठाना है। तो बाकी मेरे को अपने ट्रेनिंग सेंटर की बहुत याद आएगी। बाकी अभी मेरे साथ काफ़ी प्लेयर्स जा रहे हैं इस बार दिल्ली की टीम में। पिछली बार बेस्ट टीम ऑफ द ईयर रही थी दिल्ली वहाँ पर नेशनल में, इस बार देखते हैं क्या होता है। तो मिलते हैं सीधा वेन्यू में, बाय। सो भाई एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं एंड हमारे साथ हमारी टीम। हाय, जय बाबा की। तो कैसी चल रही तैयारी? जय श्री राम। पक्का मेडल आ पाएगा? मेडल डन है। हाँ भाई मेडल आ पाएगा? किस किस का मेडल आगे रहेगी इस बार? ट्रॉफी यूथ एंड सीनियर दोनों अपनी आएगी। सीओसी और हम देख सकते हो तुम तैयारी पूरी चल रही है, देख रहे हो हाथ काला नीला पीला हो रखा है। बुद्धि फाड़ देंगे इस बार नेशनल में। बाय बाय, मिलते हैं वेन्यू में। दिखा दिए पालम के बैंड। तो भाई लोग वेन्यू में पहुंच गए हैं, देख सकते हो तुम व्यू होटल का। यहाँ पर एक होटल में दस दस लोग नहीं रुकेंगे। बढ़िया, दो बंदे पर रूम पर पर्सन। नो यस, ये थोड़ा सा बावड़ी पूछे, इसकी बात का इग्नोर करना भाई। वन रूम टू पर्सन। या यस, जोर जोर जोर। सो भाई हमारे साथ हो गया प्रैंक, 1.5 किलो वजन ज़्यादा आ गया हमारा, पता नहीं कैसे। तो भुगतनी पड़ रही है, करूँगा कम, फिर देखते हैं। 86 में खेलना है। तो वेट हमारा हो चुका है 86। मजा आ गया। देखो भाई बंदे अभी तक रूम में नहीं पहुँचे, अभी रूम में नहीं पहुँचे, कह रहे मज़ा आ गया। ये तो तुमने देखा ही नहीं होगा। ओए मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो तुमने देखा ही ना होगा। तो भाई हमारा रूम हो गया अलॉट। रोहित भैया से बड़े गुरु जी भी आज साथ में ही, सारे साथ में सोएंगे हम। एंड ये देखो, ऐसा व्यू कभी जीवन में देखा तुमने? एक रूम में मर्जी है, दो रुकना दो रुको, तीन रुकना तीन रुको, ज्यादा नहीं रुकना तुम्हें। कोई भसड़ नहीं है भाई। झूले झूले पर्सन झूले। एक मिनट ऐसे झूल के दिखाता हूँ। देखो गाइस झूला भी है। थोड़ा सा चलो ठीक है। जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो झाल में। रूम भी देखो गाइस। मस्त है ना, कमेंट करके बताना। न्यू कैटेगरी मोहन एनआरएल असम गैस कंपनी। और ये इजी विनर नेम 95 किलोग्राम लेफ्ट हैंड चल शिवम। बहुत बढ़िया विनर नेम विनर डालिए और देखिए कितने आसानी के साथ दिल्ली ने जीता।
बहुत बढ़िया। ऊपर ऊपर करके बहुत कुछ नहीं हो सकता है। हैंग करना एक बार और बहुत ही बढ़िया Ready, go!
फ्री दो ना बहुत बढ़िया 95 किलोग्राम बहुत अच्छे बहुत बढ़िया एक बारी में भाई हट जाओ सारी पब्लिक और जनता जोरदार तालियां बजाएं हमारे रेफरीज के लिए बहुत ही जोरदार परफॉर्मेंस Thank you.
तो फाइनली गाइस हम पहुंच गए हैं घर कंपटीशन से एंड ये देख सकते हो तुम पीछे रखी हमारी ट्रॉफी। ये ट्रॉफी है यूथ की, इस बार यूथ से काम चलाना पड़ेगा क्योंकि सीनियर सीओसी इस बार बीसीआई का बने हैं प्रांजित भाई। तो भाई दो चार चीज़ें थी जो मैंने नोटिस करी इस नेशनल में एंड वो मैं तुम्हें बताऊँगा। वीडियोज़ वगैरह तो नहीं डाल पाऊँगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, तो मैं तुम्हें बस बता देता हूँ चीज़ें जो मैंने फील करी। मैं गलत भी हो सकता हूँ, ऐसा नहीं कह रहा मैं सही हूँ 100%।
बट मैं तुम्हें बताता हूँ जो मैंने फील करा इस बार। इस बार था नेशनल असम में एंड काफ़ी प्लेयर्स असम के आए थे, बहुत सारे तगड़े तगड़े प्लेयर सारे असम के ही हैं। तो इस बार ऐसा लग रहा था मेरे को कि ये सारे लोग मेरे को टारगेट कर रहे हैं, तो मैं बताता हूँ क्यों। COC में मेरा पहला मैच था उससे दिव्य ज्योति भाई से, तो उनसे तो मैं फाइट जीत गया था, वो लाइट वेट के प्लेयर हैं। एंड सेकंड मैच था मेरा मनोज भाई से, मनोज देवनाथ जो कि बहुत सीनियर प्लेयर है, काफ़ी लोग उन्हें जानते हैं, सारे लोग ही जानते हैं ऑलमोस्ट आर्म रेसलिंग के। तो मैं बताता हूँ क्या हुआ था। मैंने पहले मैच में मैंने उनको पिन करा, अटैक मारा और वो किंग्स रूम में चले गए। तो मैंने दूसरे एंगल से वो वीडियो देखी, शायद से वो पिन था मेरे हिसाब से, बट वो उन्होंने पिन नहीं दिया और उस वक्त उसके बाद मेरी एल्बो फाउल हो गया। चलो कोई नहीं, वो तो एल्बो फाउल मैंने मान लिया। सेकंड मैच में क्या हुआ, मैंने अटैक मारा, पिन हो गया था, वो क्लियर पिन था, पहला ही अटैक क्लियर पिन था, वो नहीं दिया। मैं दोबारा ऊपर आया, मैंने दोबारा अटैक मारा, वो भी पिन था, बट वो ना देखने की जगह मेरा एल्बो फाउल देख लिया उन्होंने, वो भी बिल्कुल नन्ना सा एल्बो फाउल था, वो बिल्कुल नन्ना सा एल्बो फाउल। मैं बताता हूँ क्यों बोल रहा हूँ अभी। तो उन्होंने भाई वो मेरे को फाउल दिया, मैंने प्रोटेस्ट वगैरह करा, तो मैं विन हो गया वो मैच। अब फाइनल COC आउट होती है मेरी प्रांजित भाई के साथ, तो मैंने पहले अटैक मारा तो मेरा फाउल हो गया, वो मैं मान ही लेता हूँ फाउल है भाई, ठीक है कोई नहीं। फिर मैंने अटैक मारा, उनका फाउल हुआ, उन्होंने फाउल दिया नहीं, बट हमने प्रोटेस्ट करा, वो फाउल था और वो उस वक्त उनका फर्स्ट फाउल हो गया। सेकंड मैच क्या था, सेकंड मैच में मैंने अटैक मारा, बट जो मेरा मनोज भाई के साथ नन्ना सा फाउल हुआ था ना, वही सेम फाउल रंजीत भाई का हुआ था। बट मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं विनर हूँ ऐसे फाउल से, मेरे को नहीं चाहिए ऐसी जीत, वन साइडेड करके जाएंगे अगली बार। बट अगर वो मनोज भाई के साथ मेरे को फाउल दिया था तो उनको भी देना चाहिए था। और एक्सक्यूज ये दे रहे हैं लोग कि ये जो टेबल है ये वर्ल्ड क्लास वाली टेबल नहीं है, इस वजह से इसमें ये वाला फाउल नहीं माना जाएगा, तो ये बहुत ही गलत बात है, ऐसे करना नहीं चाहिए था। वैसे अगर ये करना चाहिए था प्रांजित भाई के साथ, तो ये सब में रूल एंड तक, ये जो एंड में जो बदले, ये स्टार्टिंग में बदलना चाहिए था, सबको बताना चाहिए था ये बात कि इस टेबल पे इतना फाउल नहीं माना जाएगा, तो शायद मैं और अच्छी परफॉर्मेंस दे पाता। बाकी कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम वन साइड होके जाएंगे, टेंशन नहीं है कोई। इस बार तो तुमने देखा काफ़ी मैं अपनी फैट लॉस वगैरह कर रहा था और रिस्ट की रिकवरी कर रहा था, तो सिर्फ 20 से 25 दिन मैंने प्रैक्टिस करी है, तो उसमें थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस आई है, भगवान की दुआ से मेरी रिस्ट थोड़ी ठीक है। तो मैं तुम्हें भी यही कहूँगा भाई, इंजरी से दूर रहो, वरना तुम्हारी परफॉर्मेंस 50% से भी नीचे चली जाएगी। एग्जाम्पल बहुत है, मैं हूँ, मैं खुद बहुत ऐसे नए नए प्लेयर्स से हार भी चुका हूँ जिससे मैं नहीं हारना चाहिए। एंड आकाश भाई तुमने देखा होगा, रिस्ट हंटर नाम सुना होगा, वो भी इस वक्त अच्छी परफॉर्मेंस में नहीं है अपनी, बिकॉज ऑफ इंजरी। तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा भाई, इंजरी से दूर रहो। एंड मेरी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।